हेलो फ्रेंड्स, द डायरी ऑफ यंगल एना फ्रैंक, चैप्टर 12 शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 1943, फिर से सेंट निकोलस के दिन को मनाने का समय आ गया था, लेकिन वो सेलिब्रेशन लास्ट ईयर जितना कमाल का नहीं था। आखिरकार मिस्टर फ्रैंक और एनी ने हर एक उस व्यक्ति के ऊपर हर एक उस पर्सन के ऊपर एक एक पोएम लिखने का डिसाइड किया जो उस सीक्रेट रूम में रहते थे। एनी ने एक कपड़े धोने की एक बड़ी सी टोकरी ली और उसे उसके अंदर सभी के जूते रख दिए और सबको कहा कि छुपा दिए उसमें, और सबको कहा गया कि आप इसमें से अपने जूते निकालो। और जूते के अंदर उन्होंने वो पोएम और सबके स्वभाव के अनुसार, सबके नेचर के रिगार्डिंग, उससे ही मिलती जुलती वो पोएम लिखी गई थी कि सब लोग कैसे हैं नेचर में। तो इस तरह से पोएम लिखी गई थी और सब ने अपनी अपनी पोएम पढ़ी और सबको बहुत मज़ा आया, सब बहुत हंसे। 22 दिसंबर 1943, एनी की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि उसे फ्लू हो गया था। उसे बहुत खांसी आ रही थी। खांसी रोकने के लिए उसे कंबल में लपेट दिया गया। उन्हें डर था सभी लोगों को कि उसकी खांसी कोई सुन लेगा। उसकी खांसी रोकने के लिए हर तरह की ट्रीटमेंट की गई। बेप अभी भी ठीक नहीं थे, और लेकिन उसकी बहन वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। सभी हनुक्का के लिए एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे गिफ्ट्स। हल्की सी बारिश हो रही थी, बादल भी गिरे हुए थे। वो सभी बहुत ही सैड लग रहे थे, बहुत ही डिप्रेशन में लग रहे थे, क्योंकि वॉर ख़त्म हो जाए ऐसी कोई भी निशानी लग नहीं रही थी, ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे थे कि वॉर ख़त्म होगा। 24 दिसंबर 1943, सीक्रेट रूम में एनी और बाकी के सभी लोग के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। कभी वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते थे, बहुत ही बड़े लोग हैं ऐसे समझ रहे थे। कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाते थे। कभी कभी एनी दूसरे जो यहूदी थे उन बच्चों की तुलना में अपने आप को लकी मानती थी वो। लेकिन वो बाहर ताज़ी हवा में साइकिल चलाना, नाचना, सीटी बजाना और इंडिपेंडेंटली बहुत ही मतलब महसूस ऐसा करना चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट है। उसे अक्सर उस माँ की कमी भी लगती थी जो उसे सीरियसली नहीं ले रही थी। 27 दिसंबर 1943, एनी को क्रिसमस गिफ्ट मिला। बेप ने उसे एक बहुत ही डिलीशियस क्रिसमस केक बना के दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था पीस 1944। बेप ने बिस्किट्स का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। पीटर, मार्गेट और एनी के लिए दही के डब्बे और बड़ों के लिए एक एक बियर की बोतल थी। 29 दिसंबर 1943, एनी ने दोबारा अपनी दादी और हैंडली, अपनी दोस्त को सपने में देखा। उसने अपनी दादी के बारे में जो सोचा था कि वो बहुत वफादार और अच्छी थी। वो अपने किसी भी नाती पोते किसी का अपमान नहीं होने देती थी, उसके सामने इंसल्ट वो नहीं होने देती थी। वो एनी के साथ मिसबिहेवियर अगर कोई करता भी था तो उसके बावजूद एनी भी उसके साथ, अपनी दादी के साथ कभी कभी बुरा बिहेवियर करती थी, लेकिन उसकी दादी हमेशा उसका साथ देती थी। जब उसने हैनली के बारे में सोचा तो अपने आप को वो बहुत ही गिल्टी महसूस करने लगी और भगवान को थैंक यू कहा कि उसने ये अपने
वो डिजर्व तो नहीं करती कि उसे इतनी अच्छी दादी मिले और इतने अच्छे दोस्त मिले, फिर भी गॉड ने उसे दिया तो वो उसे गॉड को थैंक यू बोल रही थी। 30 दिसंबर 1943, सीक्रेट रूम में अब बहुत झगड़े होने लगे थे। कभी कभी ये झगड़े केवल सिर्फ खाने को लेकर या फिर मिसेज वॉन डॉन के जो फनी थॉट्स थे उनके कारण होते थे। पिछले कई महीनों से वो मीट, मांस, सूप और पोटैटो सभी कुछ बांट रहे थे इस बार। लेकिन इस बार बारी फ्राई पोटैटो की थी। एनी को इच्छा थी कि वो पूरी तरह से इन सब से अलग ही हो जाए। 2 जनवरी 1944, एनी के पास करने को वैसे कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी पढ़ी और उसने पढ़ा कि उसने अपने अपनी मदर के बारे में, अपनी माँ के बारे में काफ़ी सारे नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स लिखे हुए थे। उसे ये पढ़कर उसको बहुत शौक लगा कि और सरप्राइज भी हो गई कि उसने ये क्या लिख दिया है। फिर उसने अपने आप को मनाया कि देखो उसकी माँ उसे समझती नहीं है और एनी की फीलिंग्स को वो समझना भी नहीं चाहती। लेकिन जो भी है वो टाइम अब चला गया है, इसलिए एनी को ज़्यादा बुरा नहीं लगा। एनी एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और उसकी माँ लगातार उसे एक ही तरह की फीलिंग्स रखने वाली बन गई थी, इसलिए उसने अपनी माँ को उल्टा जवाब देना बंद कर दिया और उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया, ताकि वो जो उनके उसकी माँ के लिए वो जो बुरा सोचती है, जो उसे अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ कम हो जाए और ये सारी बातें उसकी माँ के दिल तक ना पहुँचे और उसे बुरा ना लगे। 6 जनवरी 1944, एनी को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ से एक फ्रेंडली बिहेवियर चाहती थी, जो एक फ्रेंड की तरह करें, जबकि उसकी माँ की तरफ से उसे हमेशा एक मैच्योर और पोलाइट बिहेवियर वो करना चाहती थी। एक बार एनी माँ और मार्गेट के साथ एक डेंटिस्ट के पास गई थी। जब डेंटिस्ट का काम पूरा हो गया तब उसकी माँ ने उसे वापस घर जाने को कहा, और जबकि उसकी माँ और मार्गेट ने खरीदारी मतलब शॉपिंग के लिए जाने का डिसाइड कर लिया था। एनी को ये विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो भी शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी। उसे वापस भेजने का कारण ये था कि एनी साइकिल लेके आई थी। एनी इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने सबके सामने उसकी माँ को बुरा भला बोल दिया। दूसरी बात जो उसने अपनी डायरी में ये एक्सेप्ट की थी, उसकी गलती एक्सेप्ट की थी कि वो अपने शरीर और दिमाग से भी काफ़ी सारे चेंजेस महसूस कर रही थी, मतलब बॉडी से भी चेंजेस हो रहे थे और दिमाग से भी। अब उसके पीरियड्स, हार्मोन्स पीरियड्स जो होते हैं गर्ल्स के, वो एक टीनेज टाइम में शुरू होते हैं, वो अब शुरू हो गए थे। और ये सारे सीक्रेट्स और ये सारी बातें जो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ से एक फ्रेंडली बिहेवियर चाहती थी कि वो अपनी माँ को बताए और उसकी माँ भी उसके बारे में कुछ बताए और उसे कुछ जानकारी दे। 6 जनवरी 1944, एनी एक दोस्त चाहती थी। उसने इस रोल के लिए पीटर को चुना। एक बार वो उसके कमरे में गई, पीटर के कमरे में, लेकिन उसे एक दोस्त की तरह बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो अपने कमरे में वापस लौट गई और बहुत रोई। उस रात उसने एक सपना देखा जिसमें वो खुद पीटर के साथ थी, लेकिन पीटर वॉन डॉन के साथ नहीं, पीट स्किप के साथ था। जब वो जागी तो पीटर के गाल को अपने गाल के पास वो महसूस कर रही थी। तभी उसे
अपनी आंखों में लगातार झांकता हुआ महसूस कर रही थी पीटर को। पहले उसने अपनी दादी, फिर नानी और फिर हैनली को सपने में देखा था, लेकिन इस बार उसने पीटर को देखा। पीटर की एक मानसिक छवि, एक मेंटली, एक दिमाग से एक इमेज बन चुकी थी, और वो इमेज इतनी साफ थी, इतनी क्लियर थी कि एनी को अब उसके फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 7 जनवरी 1944, एनी को याद आता है कि कैसे वो शैली के चचेरे भाई एपी से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से पीटर के प्यार में पागल थी। वो पूरे ऑटम की सीज़न में अपने पड़ोस में उसके साथ घुमा करती थी। साल बीते और पीटर और लड़कियों से मुलाकात करने लगा, और इसी के कारण एनी को दूसरी लड़कियों से जलन होने लगी। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसे पीटर से और ज़्यादा प्यार होने लगा। वो पीटर के ज़्यादा और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं सोचती थी, इतना ज़्यादा वो अब पीटर के बारे में सोचने लगी थी। 12 जनवरी 1944, बेब, मियाप और जेन बीमार पड़ गए। बेब को बहुत बुरी तरह सर्दी लग गई थी, जबकि बाकी दोनों को उसका पेट खराब था। एनी हर शाम डांस फॉर्म की प्रैक्टिस किया करती थी, इसीलिए ये सब करके वो अपने आप को बिजी रखी करते थे। खुफिया जो जगह थी, वो जो सीक्रेट रूम था, उसमें हर लोग, हर एक व्यक्ति ए क्लाउडलेस मॉर्निंग नाम की एक बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे। ये बुक टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स के सब्जेक्ट के बारे में थी। सब्जेक्ट ये था कि टीनेजर्स इस एज में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर ये बुक थी, और सबको ये अच्छा लगता था। मार्गेट की फीलिंग्स भी बेहतर थी, वो अच्छी दोस्त बनने लगी थी। दूसरी तरफ एनी की माँ सोचती थी कि उन जैसी कोई माँ है ही नहीं इस दुनिया में, जिसका अपनी बेटियों के साथ इतना अच्छा रिलेशन हो, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन एनी ये सोच रही थी कि उसकी माँ ये गलत सोच रही है। एनी अक्सर पीटर के बारे में सोचने लगी थी, और पीटर के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी। 15 जनवरी 1944, सीक्रेट कमरे के सभी लोग मांस, मतलब मीट, घी, तेल और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बांट ली थी। वो अपने अपने आलू फ्राइड करते रहते थे। अब रिलेशन थोड़े बदल गए थे, क्योंकि एनी की माँ का बर्थडे आ रहा था। उन्हें मिस्टर कुगलर से कुछ ज़्यादा ही शुगर मिली थी, जिससे वॉन डॉन फैमिली को बहुत ही जलन हुई, क्योंकि इससे पहले उनके साथ ऐसी पोलाइटनेस किसी ने नहीं दिखाई थी। 19 जनवरी 1944, एनी पीटर के सपने देखती रही, लेकिन उसके सपने अब थोड़े धुंधले होने लगे थे। उसे अपने फादर से मार्केट के रिलेशन के बारे में थोड़ी जलन होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे ये फीलिंग्स कम हो गई, क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, जबकि उसके फादर उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर करते थे। जब भी होता था तब एनी को वो सपोर्ट करते थे, लेकिन एनी ये सब कुछ मार्गेट के साथ, जब भी उसके पापा अच्छी तरह से बात करते थे तो एनी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि एनी उसके फादर के लव और उनके हग्स और उनकी किसेस को याद करके वो बहुत रोया करती थी। उसकी माँ को ये वॉर के पहले की जो बिहेवियर था, जो पहले की सोच थी, इससे पहले, ये वॉर से पहले
एनी की माँ को एक असली मोचा कॉफ़ी ऑफिस से मिली और ये दिन उसके लिए बहुत अच्छा था। 22 जनवरी 1944, एनी को अपने सोचने के जो तरीके थे उसमें थोड़ा डिफरेंट दिखाई दिया, उसे थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। वो वॉन्डॉन फैमिली के साथ होने वाले छोटे बड़े झगड़ों को अब अलग तरीके से देखने लगी। उसे लगा कि सिर्फ वॉन्डॉन फैमिली की गलती नहीं है, कुछ गलती तो फ्रैंक फैमिली की भी है। ये सब कुछ सोचने का कारण ये भी था कि वो अब पीटर को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। उसकी माँ को मिसेस वॉन्डॉन के साथ, उसे लगता था कि उसकी माँ को मिसेस वॉन्डॉन के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। 24 जनवरी 1944, एक बहुत ही स्ट्रेंज बात हो गई। उसे लगा कि लोग, जो भी बाकी सारे लोग हैं और दुनिया में, लोग सेक्स के बारे में ये चोरी छुपे बात क्यों करते हैं और इतने डर डर के क्यों बात करते हैं, जबकि माँ ने एनी से किसी भी लड़कों से बात, सेक्स के बारे में डिस्कशन ना हो उसके बारे में मना किया था पहले से ही। अगर वो इस सब्जेक्ट में कोई लड़का अगर एनी से बात शुरू भी करे तो उसकी माँ ने कहा था कि तुम उसका जवाब ही मत दो। वो सेक्स के टॉपिक के ऊपर या तो बुक से, या तो मैगजीन से, या तो पिक्चर से कुछ कुछ जान रही थी। मिसेस वॉन्डन कभी भी पीटर से इस सब टॉपिक के ऊपर बात नहीं करती थी। कोई नहीं जानता था कि पीटर सेक्स जैसे टॉपिक के ऊपर कितनी जानकारी वो रखता है। लेकिन एक दिन जब यह डिस्कशन हुआ तब तो बॉश, वो एक बिल्ला था या बिल्ली, इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। तब पीटर एनी को सीढ़ियों से नीचे ले गया और उसके गुप्तांग, उसके लिंग्स दिखाकर बताया कि वो एक बिल्ला था। उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात की, लेकिन एनी को लगा कि इस टॉपिक के ऊपर पीटर से एक नॉर्मल डिस्कशन बिना मजाक वाला वो कर सकती है। 26 जनवरी 1944, एनी को फैमिली ट्रीज जानने का बहुत इंटरेस्ट था। उसे अपना संडे सिनेमा और बाकी के एक्टर और एक्ट्रेस के पोस्टर्स और पिक्चर्स देखने में वो ज़्यादा बिजी रहती थी। हर मंडे को मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा और थिएटर नाम की एक मैगज़ीन लाया करते थे। दूसरों को लगता था कि ये बेकार का खर्चा है, लेकिन इस मैगज़ीन पढ़ने के बाद एनी का सिनेमा और प्लेज़, नाटकों के विषय में काफ़ी नॉलेज बढ़ने लगा था। वो नए नए तरीक़ों से बाल बनाने लगी, लेकिन जब सब लोग उस हेयर स्टाइल के ऊपर जब अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ देते थे, ये सुनकर वो बेचारी निराश हो जाती थी और वही अपने पुराने पुराने टिपिकल घुंघराले बाल वैसे कर देती थी। 28 जनवरी 1944, एनी की माँ और मिसेस वॉन्डॉन अक्सर अपने बचपन की बातें किया करती थी। एनी को ये बात बहुत ही बोरिंग लगती थी। जैन और मिस्टर क्लीवन को उन लोगों की सब्जेक्ट को, जो सीक्रेट बातें जानने में बहुत अच्छा लगता था, उनकी बात तो डेली रूटीन बन गए थे। ऐसे बात करना बहुत स्ट्रगल करने वाले जो ग्रुप थे, जैसे कि फ्री नेदरलैंड, जो उनके नकली आइडेंटिटी कार्ड बनाने का जो अरेंजमेंट करते थे, छिपे हुए लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करते थे, छिपने की जगह का अरेंजमेंट करते थे, और जो यंग ईसाई लोग हैं उनके लिए काम ढूंढते थे जो छुप गए हैं। एनी को इन सारे लोगों के ऊपर बहुत दया आती थी और आश्चर्य भी होता था और अच्छा भी लगता था कि दूसरों की ये जो हेल्प करते हैं
वो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी लाइफ वो कितनी खतरे में डाल रहा है। कई लोग और भी बात हुई गई कि मिस्टर क्लीमेन ने गेल्डरलैंड में हुए एक फुटबॉल मैच में मैच के बारे में बताया, जो टिल्वरसम के कोलैबोरेशन के बारे में एक लेटर था। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड तो नहीं था। 30 जनवरी 1944, ये संडे का दिन था। एनी को हमेशा ये बोरिंग लगता था। वो सीढ़ियों से नीचे अंधेरे में बिल्कुल अकेले गई। वो सीढ़ियों से ऊपर मुहाने, जो मतलब सर निकाल के खड़ी रही, जबकि जर्मनी के प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स इधर उधर उड़ रहे थे। उसे डर नहीं लगा। उसने ऊपर नज़र उठाकर स्काई को देखकर, आकाश को देखकर गॉड को थैंक यू कहा और कंप्लेन भी की। वो सिर्फ इतना चिल्लाना चाहती थी कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जीने चाहती हूँ।